नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीय भाग 7वां पाठ कालचर्या का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग इसको कर लिए हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला जो है अभ्यास पदानि बोधत, ये पहला क्वेश्चन है। पदानि बोधत, बाएं तरफ में पद दिया हुआ है, दाहिने तरफ में उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। तो इसको आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा है उच्चारणम कुरु, तो उच्चारण करें। भौम वासर ह्य पर ह्य चैत्र स्व पर स्व द्वादश वैसाख ज्येष्ठ भाद्रपद आश्विन मार्ग शीर्ष पौष फाल्गुन मनोहराणी रम्याणी। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति, सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सप्ताहे सप्तवासरा भवन्ति। सप्ताहे सप्तवासरा भवन्ति। यदि ह्यः रविवासर पर्यः कः, यदि कल रविवार था तो परसों कौन सा दिन था? तो इसके पहले शनिवार होगा, तो हम लोग लिखेंगे यदि यह रविवासर पर्यः शनिवासर। यह रविवासर पर्यः शनिवासर। वर्षे कति मासा भवन्ति, इसका उत्तर हम लिखेंगे वर्षे द्वादश, वर्षे द्वादश मासा भवन्ति। एकस्मिन् मासे कति पक्षा भवन्ति, एक माह में कितने पक्ष होते हैं? हम लोग को पता है द्वौ पक्षा भवन्ति, तो हम लोग लिखेंगे एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भवतः। एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भवतः। द्वादश मासानाम नामानि लिखत, 12 मास के नाम लिखना है हम लोग को यहाँ पे, तो हम लोग उसको लिख देंगे चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन च, ये द्वादश मास का नाम है। कति ऋतवः भवन्ति, तो हम लोग इसका आंसर यहाँ लिखते हैं षड् ऋतवः इति। हो गया, कति ऋतवः भवन्ति, षड् ऋतवः भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है भिन्न भिन्न वर्गस्य पदन्ति, जो अलग वर्ग का पद है उसको चुनना है, मतलब इनमें से जो अलग है उसको चुनना है। जैसे यहाँ पे सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, सूर्य चंद्र शुक्र अम्बुद को अलग कर दिया गया। श्रावण पौष रविवासर माघ, श्रावण ये मास का नाम है, पौष ये भी मास है, माघ ये भी नाम मास है, लेकिन रविवासर यहाँ पर
अलग है, ये दीन का नाम है रबी वासर, मासा ये महीना हो गया, वर्षम ये वर्ष हो गया, दिवसा मतलब दिन हो गया। ये किस चीज का बोध कराते हैं? समय का बोध कराते हैं, लेकिन रम्यम समय का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे रम्यम। बसंत, ग्रीष्म, शरद और द्वादश, तो ये ऋतु का नाम है बसंत, ग्रीष्म और शरद, तो द्वादश हो गया इसका। अहम, तदा, यदा, कदा, अहम मतलब मैं, तदा, यदा, कदा ये समय का बोध कराते हैं, तो यहां पर अहम हम लोग इसमें से छांट के लिखते हैं। पुस्तिका, अध्यापिका, कक्षा, शुक्ल, पुस्तिका, अध्यापिका, कक्षा, ये तीनों वर्ड आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता है, अध्यापिका, पुस्तक, कक्षा, ये तीनों आपस से मिलता है, लेकिन शुक्ल ये शुक्ल पक्ष होता है, इसलिए ये यहां पर ये अलग है। पांचवा क्वेश्चन है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, ये बॉक्स में जो पद दिया हुआ है इसमें से चुनकर खाली जगहों को भरें। सप्ताह, पूर्णिमा, ऋतुवा, अमावस्या, पहला कहता है खाली जगह है, सप्तवासरा भवंती, सात दिन होते हैं, किसमें होते हैं? सप्ताहे हम लोग भरेंगे, सप्ताहे सप्तवासरा भवंती, षड ऋतव, छ क्या होता है? ऋतव षड ऋतव भवंती, कृष्ण पक्षे अंतिमा तिथि अमावस्या, कृष्ण पक्ष का अंतिम तिथि क्या होता है? अमावस्या। शुक्ल पक्षे अंतिमायाम तिथौ पूर्णिमा भवती, हो गया। छठा क्वेश्चन है, ओष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, ओष्ठक में से उचित पद को चुनकर खाली जगह को भरें। यहाँ खाली जगह है, सोमवासर अस्ति, यहाँ अस्ति है मतलब ये वर्तमान काल को इंडिकेट कर रहा है, तो अद्य और मम, तो हम लोग यहाँ पर भरेंगे अद्य। स्व मम गणित परीक्षा, तो स्व का मतलब होता है यह मतलब बीता हुआ कल, स्व मतलब आने वाला कल, तो स्व मम गणित परीक्षा, तो आने वाला कल मतलब भविष्यत काल होगा, तो ये भविष्यति भरेंगे हम लोग यहाँ पे। स्व मम गणित परीक्षा भविष्यति मतलब आने वाला कल में मेरा गणित का परीक्षा होगा। सह दुग्धम अपीबत, यहाँ देखेंगे हम लोग ये लिखा हुआ है अपीबत, ये भूतकाल को इंडिकेट करता है, तो भूतकाल मतलब जो बीता हुआ कल है, तो हम लोग यह का मतलब होता है बीता हुआ कल, हम लोग यहाँ पर भरेंगे यह। यह रविवासर, ध्यान दीजिएगा, यह मतलब जो बीता हुआ कल था वो क्या था? रविवार, ठीक है, रविवासर। अस्ति तो होगा नहीं, अस्ति का मतलब है मतलब वर्तमान काल को इंडिकेट करेगा वो, आसीत मतलब भूतकाल, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे आसीत। अद्य मतलब आज बुधवार है, तदा शुक्रवासर, तो कल बृहस्पत, परसों शुक्रवार होगा, तो परसव, परय मतलब होता है बीता हुआ परसों, तो ये हम लोग भरेंगे परसव। क्वेश्चन नंबर सात है, कोष्ठकात् उचितम संख्यावाचक पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, कोष्ठक से उचित संख्यावाचक पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। जैसे यहाँ पर ये लिखा है
अश्वा था तो ये भरा 9-10, चतवारी और 9-10 में से चुनना था 9-10, 9-10 का मतलब होता है 19। यहाँ खगा है तो द्वाव तो होगा नहीं, तो हम लोग भरेंगे यहाँ पर एकादश। यहाँ वृक्षा, ठीक है, तो हम लोग भरेंगे अष्टादश, अष्टादश। यहाँ बालका है तो हम लोग भरेंगे षड्, षड् बालका। एवं यहां पे होगा नहीं, मोदका है तो चतवारा, यहां है पादपा तो पंच, पंच। इसके बाद है नार्य, यहां भरेंगे तीसरा, तीसरा नार्य।